हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसेल्फिंग्स के बारे में, इट मीन्स ट्यूब्स के अंदर पानी का भर जाना। हम देखेंगे कि हाइड्रोसेल्फिंग्स के क्या क्या कारण रहते हैं, किस वजह से ट्यूब्स के अंदर पानी भर जाता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसेल्फिंग्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, सेल्फिंग्स मीन्स फैलोपियन ट्यूब, जो नली रहती है, इनके अंदर जब पानी भर जाता है तब उसको हाइड्रोसेल्फिंग्स बोला जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पानी भरने की वजह से ये जो ट्यूब्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो हाइड्रोसेल्फिंग्स क्या है? ट्यूब्स के अंदर पानी का भर जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं, किस वजह से ट्यूब्स के अंदर ये पानी भर सकता है। उसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन का होना। इट मीन्स इन ट्यूब्स के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, अगर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है या फिर कहीं और भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ट्यूब्स में पानी के भर जाने के, इस हाइड्रोसेल्फिंग्स होने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीआईडी, इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर पेल्विस में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इन ट्यूब्स में पानी भर जाने का। थर्ड अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी एक कारण रहती है हाइड्रोसेल्फिंग्स का। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रोसेल्फिंग्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोसेल्फिंग्स में पेशेंट को क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक भी रहती है, इट मीन्स पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देगा। कभी कभी पेशेंट को जो सिम्टम रहते हैं उसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, इट मीन्स नाभि के नीचे वाला एरिया जो रहता है वहाँ पर उसको पेन रहता है, या फिर कभी कभी एक ही साइड में पेन रहेगा, राइट साइड में पेन रहेगा या लेफ्ट साइड में पेन रहेगा, इट मीन्स जिस साइड की ट्यूब इन्वॉल्व रहती है उस साइड में, वहाँ उस एरिया में पेशेंट को पेन दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो पर वेजाइनल डिस्चार्ज, इट मीन्स वेजाइना से डिस्चार्ज होता रहता है, इसमें ईचिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है लेकिन डिस्चार्ज रहता है, तो पर वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो डिसपेरेनिया, इट मीन्स जब पेशेंट रिलेशन बनाता है, इंटरकोर्स करता है, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को पेन रहता है। उसके साथ साथ में इनफर्टिलिटी, इट मीन्स पेशेंट जब नेचुरली कंसीव कर रहा होता है तो नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है, तो ये सारे सिम्टम हैं जो कि हाइड्रोसेल्फिंग्स में देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक रहती है, उसमें जब जैसे कि पेशेंट नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा होता है और कंसीव नहीं होता है, वो जांच कराता है तो उसमें अगर सोनोग्राफी उसने कराया है या फिर HSG कराया है तो उसमें उसे जो ट्यूब्स हैं वो फूली हुई दिखाई देती हैं, इट मीन्स उनमें पानी भरा हुआ रहता है, तब पेशेंट को पता चलता है कि उसको हाइड्रोसेल्फिंग्स है। तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है और सिम्टम्स भी पेशेंट को प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है इसको डायग्नोस करने का, दैट इज HSG हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी, जिसमें डाई इंसर्ट की जाती है, तो जब एक्सरे लिया जाता है उसके बाद तो उसमें क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी हाइड्रोसेल्फिंग्स का पता किया जा सकता है। नॉर्मली जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें फैलोपियन ट्यूब नहीं दिखाई देती है, बट जब वो इस पानी के भर जाने की वजह से फूल जाती है ट्यूब्स, तो अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। बट बेटर है कि HSG कराएं, HSG से ज़्यादा कन्फर्मेशन रहता है डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो लेप्रोस्कोपी से भी पता किया जा सकता है कि हाइड्रोसेल्फिंग्स है या फिर नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। इट मीन्स अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स बहुत लंबे टाइम से है तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वो है ट्यूबल टॉर्शन, जो ट्यूब्स है वो मुड़ जाती है, तो मुड़ने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, जिसको ट्यूबल टॉर्शन बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो ट्यूबल रप्चर होने के, ज़्यादा पानी भरता जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होता जाएगा, तो ट्यूब्स रप्चर भी हो सकते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स को ट्रीट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन आगे जाके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो मॉडर्न की बात करें तो सर्जरी ही सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। इट मीन्स सर्जरी के थ्रू जो पार्ट रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसको सेल्फ इंजेक्टमी बोलते हैं। तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है देन यू कैन गो फॉर सर्जरी, बट अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है
तो मॉडर्न में वो आपको IVF कराने के लिए बोलते हैं, इट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहले भी आपको सेल्फ इंजेक्टमी कराना पड़ता है, क्योंकि जो हाइड्रोसेल्फिंग्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत सारे एंडोटॉक्सिन रहते हैं, साइटोकाइंस रहते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत रहती है। तो अगर आप IVF ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो भी उससे पहले डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि जो ट्यूब है आपको इसको रिमूव कराना पड़ेगा। वहीं अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो विदाउट सर्जरी हाइड्रोसेल्फिंग्स को ट्रीट किया जा सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन जो कि आयुर्वेदा में अवेलेबल है, जिससे जो हाइड्रोसेल्फिंग्स है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, और बहुत सारे प्रोसीजर भी हैं जो कि इस हाइड्रोसेल्फिंग्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम आयुर्वेद के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो ये तीनों दोषों के इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन होती है, वात पित्त और कफ। तीनों जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तभी डिजीज मेनली होती है। एंड इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको रखना है वो तीनों दोषों को बैलेंस करना है, तो त्रिदोषहर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हमको अपनाना है। एंड सेकंड, जो शोथहर चिकित्सा बताई गई है चरक में, सुश्रुत में, अगर वो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इजीली हाइड्रोसेल्फिंग्स के पेशेंट इजीली ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए। उसमें है चंद्र प्रभावती, केशोर गुकलू, पुनर्नवारिस्ट, पुनर्नवादी क्वाथ, पुनर्नवा मंडोर, सप्तसारम कषाय, पटोल मूलादि कषाय, त्रिफला क्वाथ, एंड देर आर सम अदर मेडिसिन ऑल्सो जिसको हम कंबाइन करके दे सकते हैं, जैसे कि शुंठी है, मरीच है, पिपली है, पिपली मूल है। अगर इसको इसका जो चूर्ण बना के अगर हम ये पुनर्नवादि क्वाथ के साथ या फिर त्रिफला क्वाथ के साथ अगर इसको देंगे तो ये भी हेल्प करता है हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए। सो देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन जो कि हेल्प करते हैं इस हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए, बट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये सारी मेडिसिन ना लें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है, प्रॉपर कंसल्टेशन करके ही मेडिसिन लें। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि आयुर्वेद में कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो कि हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए काम आते हैं, तो उसमें है योग बस्ती। योग बस्ती जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं वो इजिली समझ जाते हैं कि योग बस्ती क्या है। तो योग बस्ती मेनली क्या रहती है, थ्रू एनल रूट मेडिसिन दी जाती है। ये जो योग बस्ती रहती है इसमें दो तरह की बस्ती दी जाती है, इट मीन्स एक कषाय फॉर्म में मेडिकेटेड वाटर रहता है वो एनल रूट के थ्रू दिया जाता है, और मेडिकेटेड ऑयल जो रहता है वो एनल रूट के थ्रू दिया जाता है। तो इसमें मेनली ये 8 बस्ती रहती है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। तो योग बस्ती जो कि हेल्प करता है हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो उत्तर बस्ती भी हेल्पफुल है इस हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए। उत्तर बस्ती मैं अपनी पहली वीडियो में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो उत्तर बस्ती है उसमें क्या किया जाता है, जो मेडिकेटेड ऑयल है या मेडिकेटेड घी है वो डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसीजर भी हेल्प करता है हाइड्रोसेल्फिंग्स को कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो विरेचन कर्म। विरेचन कर्म में क्या किया जाता है, लूज मोशन पेशेंट को कराए जाते हैं, इसके थ्रू जो टॉक्सिन्स है वो नीचे के रास्ते से उनको रिमूव किया जाता है। तो ये प्रोसीजर भी हेल्पफुल है हाइड्रोसेल्फिंग्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोसेल्फिंग्स के पेशेंट रहते हैं उनको किन किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, जितनी भी खट्टी चीज़ें रहती हैं उसको अवॉइड करना है, अचार को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें नहीं खानी है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा नमक को अवॉइड करना है, कर्ड अवॉइड करना है, दही नहीं खानी है, जैगरी गुड़ को अवॉइड करना है, मिल्क को अवॉइड करना है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो कफ को बढ़ाती हैं एंड अगेन इट कैन लीड टू हाइड्रोसेल्फिंग्स। इसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइड्रोसेल्फिंग्स के पेशेंट को अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हाइड्रोसेल्फिंग्स क्या है, कौन कौन से कारणों की वजह से ये हाइड्रोसेल्फिंग्स हो सकता है, क्या क्या इसमें पेशेंट को सिम्टम्स रहते हैं, और हम इसको आयुर्वेदा के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।